पास क्या मौजूद है, एक इस तरह का पेज मौजूद है जो कि रिएक्ट का फ्रंट एंड है हमारे पास, और इसमें क्रड ऑपरेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, सर्च बस रह गया हमारा। और इस पर कुछ लिख के मैं पोस्ट करता हूँ तो ये डेटा कहाँ जाता है, मेरे पाइनकॉन के डेटाबेस पे ये चला जाता है, और यहाँ पे मुझे ये नज़र भी आ जाएगा। लेकिन ये काफ़ी स्लो है डेटा यार ये। अच्छा नीचे गया है वो, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह का चल रहा है यहाँ पे मेरे पास, काफ़ी स्लो चल रहा है ये, ठीक है जी, वेरी वेरी स्लो, बट नो प्रॉब्लम। अब हमने ये करना है यहाँ पे एक सर्च बार बनाकर, और उसके अंदर हमने सर्च परफॉर्म करवाना है। अच्छा मैंने ये वाला टास्क आप लोग बना कर लाएंगे, ये मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ ना, ये आप सब लोगों ने अपने हाथ से करना है, ठीक है। तो आपने लेकिन इस तरह की यूआई नहीं बनानी, मैंने तो सीएसएस बिल्कुल भी नहीं लगाया इसमें, मैं जस्ट इसको बगैर सीएसएस के जस्ट फंक्शनैलिटी आपको बता रहा हूँ। फंक्शनैलिटी आपको समझ आ गई है, लेकिन जब आप ये बनाएंगे ना तो आपने जाके देखना है कि जी सर्च जो है वो किस जगह पे होता है, सर्च के ऊपर क्या स्टाइलिंग लगी हुई होती है, पोस्ट जो आपके ये कार्ड्स नज़र आ रहे हैं ये ब्यूटीफुल होने चाहिए, ठीक है, सीएसएस वगैरह लगी हुई हो, एक पोस्ट एक कार्ड की सूरत में मुझे दिख रही हो, ठीक है। इसी तरह ये जो फॉर्म है मेरे पास ये भी इस तरह का ना हो, फॉर्म भी ज़रा बेहतर, आपने जस्ट इसमें सीएसएस आपने लगानी है, फंक्शनैलिटी तो ठीक है जो है इसमें। तो आ जाते हैं, वो क्योंकि मैंने उस पर प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट लगाया हुआ है, इस पर अगर मैं प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट लगा देता हूँ ना, फिर उसके बाद मुझे ये करना होता है कि कहाँ गया वो मेरा, ये जो सबमिट हैंडलर है ना, सबमिट हैंडलर के ऊपर मुझे यहाँ पे जैसे इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट किया है ना मैंने, तो ये फिर रिफ़्रेश भी नहीं करेगा पेज को और भी चीज़ें नहीं करेगा ये, बट सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाती हैं और जब मैं इसमें सब चीज़ें कर देता हूँ ना यार, ये गेट ऑल पोस्ट को तो मैंने यहाँ पे रोका हुआ है, तो ये चल कैसे रहा है गेट ऑल पोस्ट। अच्छा टॉगल रिफ़्रेश करवा दिया मैंने, सही 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 सही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा ई डॉट टारगेट डॉट रीसेट, सही है, आई थिंक यही होता है, चला के देखते हैं। सही है, हो गया ये। तो ये मुझे अब हाथ से करना पड़ेगा क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को क्योंकि रोक दिया है। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या इस वक्त मौजूद है, हमारे पास सबमिट हैंडलर मौजूद है, हमारे पास डिलीट हैंडलर मौजूद है, हमारे पास एडिट सेव हैंडलर मौजूद है, और अब हमें चाहिए एक अदद इस फॉर्म से भी पहले, मेरे ख्याल इस फॉर्म के बाद यहाँ पे बना लेते हैं इस जगह पे ना, क्योंकि ये फॉर्म का पार्ट तो चलो ऊपर एक हेडर के तौर पे हो जाएगा, इस फॉर्म के फ़ौरन बाद एक और फॉर्म बना देता हूँ मैं, ठीक है। और ये फॉर्म जो होगा ये मोर लाइकली इसके अंदर वही चीज़ें हो रही होंगी एक्चुअली जो हमने यहाँ पे की हुई हैं, वही हो रही होंगी, नहीं नहीं वो नहीं हो रही होंगी एक्चुअली, थोड़ी सी डिफरेंट होगी चीज़ें यहाँ पे। अच्छा चलो हाथ से अलग से लिखते हैं उसको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, ऑन सबमिट चाहिए, जिसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, सर्च हैंडलर, ठीक है। इस फंक्शन का मैं कोई भी नाम रख सकता था लेकिन मैंने इसका नाम रखा सर्च हैंडलर। उसके बाद मैं लगाऊंगा इनपुट, और इनपुट को मैं प्लेस होल्डर चलो सर्च लगा देता हूँ इसके ऊपर मैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके ऊपर मैं लगाऊंगा रेफ, ठीक है, और रेफ़ में लगाऊंगा मैं सर्च इनपुट रेफ, जिसके ज़रिए मैं इसकी वैल्यूज़ को उठा रहा हूँगा। सही है, ऑन चेंज की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने रेफ़ लगा दिया। और इस पर क्या लगा सकता हूँ मैं इसके अलावा, और इस पर मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत है क्या, रिक्वायर्ड तो खैर नहीं ज़रूरत है मुझे लगाने की इस पर, एमटी भी भेज दे अगर तो सही है। हाँ इसकी टाइप जो है वो सर्च होगी, सही है, इसकी टाइप टेक्स्ट नहीं होगी, कौन मुझे ये बताएगा कि टाइप टेक्स्ट में और टाइप सर्च में क्या फ़र्क होगा। अच्छा इसके अंदर मैं एक सबमिट का बटन भी बनाऊंगा एक्चुअली, सही है, जिसकी मैं टाइप रखूंगा सबमिट, और इसको मैं कर दूंगा हिडन, सही है, ताकि ये स्क्रीन पे नज़र ना आए, बट ये यहाँ पे मौजूद होगा। अच्छा सर्च इनपुट रेफ जो है ये ऊपर क्योंकि बना हुआ नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर जाके इसको बना देता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो ये यूज़ रेफ करके यहाँ पे दो तीन तो बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे एक सर्च इनपुट रेफ करके भी बना देता हूँ, ठीक है, अदरवाइज़ ये मुझे एरर देगा।
अच्छा जी, अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे वो फंक्शन बनाना है अब, जो सर्च हैंडलर के नाम से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ना इसका नाम। अच्छा, सर्च वाले फंक्शन के अंदर मैं वही काम कर रहा हूँ एक्चुअली जो मैं गेट ऑल पोस्ट में कर रहा हूँ, सही है ना? कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो मैं इस क्या करता हूँ, गेट ऑल पोस्ट वाले फंक्शन को उठा के उसकी एक कॉपी बनाता हूँ, उसका नाम सर्च हैंडलर कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जैसे ही सर्च हिट होगा तो मैं ट्रू करूँगा पहले उसको, ठीक है? और अब क्या होगी मेरी ए पी आई स्लैश वी वन स्लैश सर्च, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्यू इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं सर्च का जो वो टर्म दे दूंगा, तो मैं कहूँगा कि सर्च इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, ठीक है जी? ये मैंने एपीआई हिट कर दी, कौन सी कर दी, सर्च की एपीआई, और उसके अंदर मैंने सर्च की जो टर्म थी वो क्वेरी पैरामीटर के अंदर दी है, सर्च की टर्म मैंने यूआरएल पैरामीटर में नहीं दी है, ये बात नोट करने वाली है, और ना ही मैंने बॉडी में करके दी है। वैसे तो गेट की रिक्वेस्ट है, बॉडीज़ में हम आमतौर पर अवॉइड करते हैं, बॉडी अलाउ होती है, वैसे गेट में भी बॉडी भेजोगे तो चली जाती है, लेकिन इट इज़ प्रोहिबिटेड, ठीक है? तो मेरे पास लेकिन दो और ऑप्शन थे, एक यूआरएल पैरामीटर भी था मेरे पास, ठीक है, बट उसमें भी मैंने नहीं भेजा, मैंने क्वेरी पैरामीटर के अंदर भेजा है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, क्वेरी पैरामीटर के अंदर जो है ना इसको भेजना एक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड है, और दूसरा ये कि ये जो क्वेरी पैरामीटर में मैंने हिट किया है ना इसको, अभी हमने राउटर नहीं पढ़ा, रिएक्ट का राउटर हम जब पढ़ेंगे ना, तो हमने देखना ये था कि हम इस क्वेरी को हम क्या करेंगे, अपने यूआरएल बार में भी इंक्लूड करेंगे, सही है? उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि देखो जब मैं जाता हूँ गूगल पे जाके मैं कार लिखता हूँ ना, तो ये देखो सर्च को इस कैसे भेजा हुआ इन्होंने, सर्च सर्च स्लैश और क्यू इक्वल्स टू करके क्वेरी को भेजा है इन्होंने, तो इसी तरह भेज रहे होते हैं। अब देखो अगर मैं ये वाला पार्ट कॉपी करता हूँ ना अगर, और मैं किसी दूसरी जगह पे इसको शेयर करता हूँ यूआरएल को, तो ये मुझे एग्जैक्टली क्या करेगा, इसी जगह पे लाके खड़ा करेगा, ठीक है? अच्छा सिर्फ यही नहीं, अगर मैं इमेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ इसके, ठीक है, और मैं किसी खास इमेज को ओपन कर लेता हूँ ऐसे, तो ये सारा कुछ जो है ना इस क्वेरी पैरामीटर के अंदर समहाउ ये स्टोर कर रहा होता है। जब मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं दूसरे पे जाता हूँ किसी किसी दूसरे मशीन में इनकॉग्निटो में, तो मुझे ना सिर्फ ये ओपन करके दिखाएगा बल्कि ये बड़ी फ़ोटो भी खोल के दिखाएगा, ठीक है? तो हम इसको किस तरह से कर रहे होते हैं एक्चुअली के वापस आ जाता हूँ यहाँ पे मैं, कि हम जब ये वाला सर्च करते हैं ना स्लैश सर्च स्लैश और क्वेरी पैरामीटर में ये हिट करते हैं, तो साथ साथ हम अपने ये जो यूआरएल बार है हमारा यहाँ पे भी क्या क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के ये प्रोग्रामेटिकली करते हैं हम, ये जब हम राउटर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे ये चीज़ मौजूद है, ठीक है? सर्च और सर्च सॉरी यह क्या था, स्लैश सर्च और क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल्स टू, और मैंने ऐसे करके लिखा था ना कार। अच्छा, तो अब क्या करूँगा मैं, ये क्योंकि मेरा यूआरएल अब इस तरह का बन चुका है कुछ, अब इस यूआरएल को अगर कोई कॉपी करता है यहाँ से और ले जाके किसी दूसरे ब्राउज़र में इसको ओपन करता है, या मैं ये यूआरएल किसी को शेयर करता हूँ और वो ये यूआरएल जब ओपन करेगा ना ऐसे लगा के यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो ये कंपोनेंट है, मेरा जो ये कंपोनेंट है जिसके ऊपर ये सर्च मैंने परफॉर्म किया है, उस कंपोनेंट के अंदर मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर, यूज़ इफेक्ट क्या चीज़ होती है, जो कंपोनेंट के लोड होने पे चलती है, यूज़ इफेक्ट के ऊपर मैं यूआरएल उठाऊंगा अपना, और यूआरएल उठा के मैं इंस्पेक्ट करूंगा कि क्या इसमें सर्च क्या आएगी, क्यू करके कोई बात लिखी हुई तो नहीं है, अगर लिखी हुई होगी मैं वो टर्म उठाऊंगा, मैं सर्च बॉक्स के अंदर रखूंगा और सर्च चला के रिजल्ट सामने शो कराऊंगा, सही है? तो इससे होगा क्या कि अगर मैंने वंस यहाँ पे सर्च लिखा और लिख के हिट कर दिया एंटर, और अब मैं यहाँ से यूआरएल ये कॉपी करूँगा ना जब, तो अब मैं ये यूआरएल किसी को भी दूंगा, वो जब इसको हिट करेगा तो उसी तरह सर्च हुआ हुआ उसके पास आना चाहिए, ठीक है? तो ये एक बात थी, लेकिन ये चीज़ हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट मैं इसको यहाँ से हिट कर रहा हूँ, अभी हमने राउटर नहीं पढ़ा, राउटर पढ़ेंगे तो मुझे याद दिलाना, ये आपको मैं बता दूंगा करके ना। अच्छा जी, अब यहाँ से जो मेरे पास रिस्पॉन्स आता है वो मैं कहता हूँ कि जी वो सेट ऑल पोस्ट में ही उसको आप डाल दो, ठीक है? हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, असूलन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए असूलन। अच्छा, ये तो इसको ज़रा ना एक मैं चाह रहा हूँ राइट पे कर दूँ ना, इसके ऊपर मैं स्टाइल लगाता हूँ टेक्स्ट अलाइन राइट, हाँ ठीक है, सम हाउ लाइक सही है, मैं कुछ इस तरह करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लिखूँ और मेरे पास यहाँ पे नीचे रिजल्ट शो हो रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, लेकिन असूलन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, असूलन मुझे क्या करना चाहिए कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना,
तो मुझे एक अलग से कंपोनेंट बनाना चाहिए जिसको मैं क्या कर दूँ, इस कंपोनेंट को हटा के मैं उस कंपोनेंट को लगा दूँ जब तक यहाँ पर ये सर्च बंदा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह मुझे करना चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि इसको इसी तरह, या तो फिर ये करूँ मैं कि जैसे ही सर्च में टर्म एंटर करूँ ना लिख के यहाँ पे, ओ, जैसे ही मैं सर्च की टर्म एंटर करूँ लिख कर, तो यहाँ पे ना इतना बड़ा सा एक पॉप ओवर खुले अलग से, उसके अंदर ये डेटा आ रहा हो और उस पर कट का बटन भी हो, कट करूँ तो वो गायब भी हो जाए वहाँ से। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं इसी स्टेट के अंदर डेटा डलवा रहा हूँ टू सेव माई टाइम, क्योंकि एक्चुअल जो टॉपिक है वो तो हम पढ़ रहे हैं सर्च वाला टॉपिक, वो तो API से रिलेटेड है, फ्रंट एंड जस्ट वैसे ही बना रहे हैं ना। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा था, इसके ऊपर मैं ज़रा इस फॉर्म के ऊपर ना मैं स्टाइल लगा रहा था कि टेक्स्ट अलाइन राइट, सही है, नहीं बस मैंने टेक्स्ट अलाइन राइट लगाया और कुछ भी नहीं किया मैंने। ये फॉर्म का जो मेरा पूरा टैग है ना, इस पे मैंने टेक्स्ट अलाइन राइट लगाया, दैट्स इट, अभी मैंने और कुछ नहीं किया। अच्छा, अब मुझे देखो, अब सर्च बार में और टेक्स्ट इनपुट में क्या फ़र्क है ये पूछ रहा था मैं। हाँ भाई, किसको पता है टेक्स्ट सर्च में मैं स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिख सकता, लिख तो पा रहा हूँ ये स्पेशल कैरेक्टर सारे, क्या आ रहा है, हाँ क्रॉस बना हुआ रहा है, तो अबे क्रॉस पे तो निशाना लगाना ही इतना मुश्किल काम है, तो इस क्रॉस पे कौन क्लिक करेगा, इस क्रॉस पे कौन क्लिक करेगा बताओ ना। इस क्रॉस के ऊपर टच स्क्रीन वाला क्लिक करेगा, सही है, माउस वाला बंदा इस पे क्लिक नहीं करेगा, माउस वाला बंदा क्या करेगा, नहीं इस पे एस्केप का बटन दबाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा मैंने और एस्केप का बटन दबाऊंगा मैं। वेल, तो पॉइंट ये जो सुनना चाह रहा था मैं तुम लोगों से, वो ये सुनना चाह रहा था कि सर्च बार के अंदर ना कुछ यूज़र एक्सपीरियंस हमें चाहिए होता है जो इन टेक्स्ट इनपुट से अलग होता है। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट में नाम लिखते लिखते अगर एस्केप दबाओगे तो नाम गायब नहीं होना चाहिए, इसमें गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं सर्च लिख रहा हूँ तो जाहिर है मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ कीवर्ड नया सोच रहा हूँ, फिर मैंने लंबा सा कुछ कीवर्ड लिखा, मुझे कोई नया कीवर्ड आया तो मैं स्केप दबा के वो दूसरा वाला कीवर्ड लिखूंगा, समझ रहे हो। तो इस तरह का यूज़र एक्सपीरियंस मुझे चाहिए होगा जो सर्च इनपुट के अंदर चाहिए, वो मुझे उसमें नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि क्रॉस बना हुआ आ रहा है, अगर कोई टच स्क्रीन के ऊपर होगा तो वो जाहिर है क्रॉस को दबा के उसको स्केप करेगा, क्योंकि टच स्क्रीन में स्केप का बटन आपके पास नहीं होता है आमतौर पर, तो क्रॉस को वो टच करेगा सर्च में, नहीं तो वो उन्होंने कस्टम बनाया होगा ना अपना। अभी मैं जाके देखता हूँ गूगल सर्च में, चलो गूगल सर्च में आ जाता हूँ मैं। मैंने कहा कार लिख दिया मैंने, अब यहाँ पे आके मैं स्केप दबाता हूँ तो कुछ नहीं होता, नहीं तो इन्होंने बस अपना एक यूज़र एक्सपीरियंस कुछ बनाया है। हाँ, करता तो इसमें भी कंट्रोल ए करके करना पड़ रहा है, और कट लेकिन यार इसने यहाँ बनाया है, स्टिल कट करता हूँ तो वो कट हो जाता है। इन्होंने कुछ अपना यूज़र एक्सपीरियंस बनाया है भाई, जो शायद मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया ये। अच्छा, मैं तो कभी खुद आके ना इसके ऊपर मैंने ऐसे करके लिखा नहीं आज तक ना। मैं पता है कैसे करता हूँ गूगल पे सर्च, मैं ये नया टैब खोलता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार, और इसके अंदर स्केप दबाने से ये ख़त्म हो जाता है, सही है। मैं यहाँ पे, और मैं कभी इस URL बार पे भी मैंने क्लिक नहीं किया आज तक, इस URL बार पे कभी मैंने निशाना लगा के क्लिक नहीं किया, मैं जस्ट नया टैब खोलता हूँ ना तो पहले से वहाँ लिखा हुआ रहा होता है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार और मैं लिखता हूँ एंटर। ठीक है, माउस को कम से कम टच करता है डेवलपर, माउस को टच नहीं करता। हाँ, मैं बात नहीं समझा, HTML इंजेक्ट हो जाती है। हाँ अच्छा, इसमें ऐसे HTML लिख दें यहाँ पे, ये वाला इनपुट का ना, नहीं तो मतलब क्या है कि चल जाती है। अच्छा नहीं, HTML तो इंजेक्ट उस सेंस में तुम कह रहे हो ना कि जब, लेकिन रिएक्ट में तो ऐसा नहीं होगा, हो जाएगा क्या, रिएक्ट में ऐसा नहीं होगा। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया भाई H1,
और कुछ टेक्स्ट लिख के मैंने H1 लिख दिया और फिर कुछ छोटा टेक्स्ट भी लिख दिया। अब मैं इसको पोस्ट करता हूँ और देखता हूँ होता है कि नहीं होता। नहीं हुआ, रिएक्ट के अंदर नहीं होता, वो प्लेन HTML के अंदर हो जाता होगा। प्लेन HTML होती है ना, उसमें हो जाता है वो, क्योंकि प्लेन HTML के अंदर अगर आप इनर टेक्स्ट करके आपने स्टिल अगर डाला हुआ तो फिर वो भी नहीं होता। इनर HTML करके डाला हुआ फिर हो जाता है इंजेक्ट ना। नहीं वैसे इनपुट फील्ड्स इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अगर हो भी जाता हो भले तो इनपुट फील्ड्स इसका कोई ताल्लुक नहीं है। असल बात ये है कि जो सर्च इनपुट है ना मेरे भाई, इसके अंदर कुछ ऐसे यूज़र एक्सपीरियंसेस इन्होंने शामिल किए हुए हैं जो टेक्स्ट इनपुट में नहीं होते। अच्छा, कल को कोई नया यूज़र एक्सपीरियंस अगर आता है जो सर्च इनपुट के लिए आता है ना, कि जैसे मिसाल के तौर पर अभी वो विजन प्रो आया है। अब विजन प्रो में क्या होता है कि आप सर्च बॉक्स की तरफ देखते हैं और बोलना शुरू करते हैं ना, तो वो लिख देता है वहाँ, है ना। तो अभी वो सिर्फ सर्च बॉक्स में होता है, वो इनपुट बॉक्स में नहीं होता। इनपुट बॉक्स में शायद कोई दूसरा एक्सपीरियंस है, मैंने यूज़ तो नहीं किया अभी तक। अभी रिलीज़ होगा वो जनवरी में इंशाल्लाह, अभी तो वो जस्ट प्रीव्यू किया है उन्होंने, अभी तक कस्टमर्स के हाथ में नहीं आया वो। तो वो सर्च बार की तरफ जस्ट आप देखते हैं और बोलते हैं ना, तो वो लिख देता है वहाँ पे। तो इस तरह के अगर कोई नई यूज़र एक्सपीरियंसेस भी आते हैं ना, तो आपकी वेबसाइट में अगर आपने सर्च लगाया हुआ टाइप, तो गूगल क्रोम अपडेट होगा, वो ऑटोमेटिकली नया वाला बिहेवियर उस पर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने सर्च नहीं लगाया हुआ टाइप, आपने लिखाया हुआ इनपुट बॉक्स जो टेक्स्ट इनपुट होता है, यानी टाइप टेक्स्ट, तो फिर उसके अंदर वो टेक्स्ट वाला कोई नया बिहेवियर आता है तो वो उसमें ऐड होगा, ठीक है जी। तो वेल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सर्च बार एक बना दिया और मैंने अब इसमें से इनपुट भी उठा दिया। मैंने कहा कार, और कार लिख के मैंने एंटर हिट किया, तो यहाँ पे मेरे पास जो API है वो बिल्कुल सही API हिट होना शुरू हो गई है। /API/V1/search और q=car, ठीक है। अभी ये रिस्पॉन्स में 404 दे रहा है क्योंकि इस नाम से API बनी हुई मेरे पास नहीं है, ठीक है। सर्वर पे मैं आता हूँ, सर्वर पे भी मेरे पास क्या होगा, सर्वर पे मेरे पास क्या है, पोस्ट राउटर है ना। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास जो सर्च वाली API है ना, वो एक्चुअली कौन सी वाली होगी, वो गेट ऑल पोस्ट से बहुत सिमिलर उसके अंदर काम हो रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, गेट ऑल पोस्ट वाले को ज़रा एक कॉपी बना लेता हूँ इसकी मैं, और इसको बोल देता हूँ कि जी सर्च, ठीक है, सर्च। और इसके अंदर मेरे ख्याल है ये चीज़ें इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओपन AI से डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करता हूँ मैं। अच्छा, कन्वर्जन में अब इसको मैं क्या दूंगा, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट क्यू, सही है ना। क्वेरी पैरामीटर को हम इस तरह उठा रहे होते हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट क्यू करके मैंने उठा लिया। ये वेक्टर में कन्वर्ट होगा, वेक्टर में कन्वर्ट होने के बाद इसको यहाँ पे जो पाइन कोन की क्वेरी है उसके अंदर मैंने पास किया है यहाँ पे वेक्टर, कि जी इस वेक्टर से नियरेस्ट जो उसको लेकर आ जाओ आप। टॉप के मैंने कहा जी 10,000। अच्छा, 10,000 क्या मुझे यहाँ लगाना चाहिए, एक तो मैंने गेट ऑल में 10,000 लगाया हुआ था जो कि वो भी गलत लगाया हुआ था, ठीक है। मुझे यहाँ पे कभी भी 10,000 लगाना नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे लगाता हूँ 20, कि जी मुझे सर्च करके आप टॉप 20 ला के दो। अच्छा, अब बंदे ने लिखा कार, अब 20 सर्चेस जो होते हैं उस कार से मुतालिक वो आ गए। अब मैं मज़ीद देखना चाह रहा हूँ, तो मैं अब वो कैसे देखूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे इलॉन मस्क है ना, अब इलॉन मस्क एक समझ लो एक पब्लिक फिगर है और बहुत फेमस बंदा है, तो इलॉन बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हो सकते हैं, हज़ारों की तादाद में ऐसे आर्टिकल हो सकते हैं जिसके टाइटल में इलॉन मस्क का जिक्र आ रहा हो। अब मैंने इलॉन मस्क लिखा और उसका जो स्पेस एक्स लाउंच वाला एक आर्टिकल मैंने कहीं कभी पढ़ा था, वो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, लेकिन वो जा चुका है काफ़ी नीचे। अब मैंने इलॉन मस्क लिख के हिट मारा, टॉप 20 रिजल्ट में वो नहीं आया, ठीक है, रॉकेट लाउंच। तो एक तो तरीका ये कि मैं रॉकेट लाउंच लिख दूँ, एक तरीका ये कि मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊँ। गूगल में भी यही करते हैं, नेक्स्ट नीचे बटन बना हुआ आ रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं पेजिनेशन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, पेजिनेशन। उसमें होता ही है कि जब नेक्स्ट का बटन दबाते हैं ना, तो वही सर्च क्वेरी हम दोबारा भेजते हैं सर्वर पे, लेकिन अब की बार मैं एक एडिशनल पैरामीटर भेजता हूँ पेज के नाम से। तो वो समहाउ मैं डेटाबेस में क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई आप 20 रिजल्ट लाओ, लेकिन 20 को स्किप करके लाओ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अब 40 यहाँ से गेट करूँगा, ठीक है, उसमें से शुरू के 20 हटा के फिर 20 भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। वेल जैसे मिसाल के तौर पर MongoDB के अंदर हमारे पास ना एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं स्किप। मैं कहूँगा स्किप 20, ये लगा के ना मैं कहूँगा 20 को स्किप करके जो है ना 20 लेकर आओ। अब ये इसके अंदर स्किप के वाला इसमें ऑप्शन है या नहीं है मुझे पता नहीं है, ठीक है। वेल होगा,
स्किप वाला इसके अंदर ऑप्शन होगा, तो पेजिनेशन के जरिए हम ये कर रहे होते हैं, जब नेक्स्ट का बटन दबाते हैं तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, तो या तो 1, 2, 3 करके भेज रहा होता हूँ मैं, या तो 20, 40, 8 ऐसे करके भेज रहा होता हूँ। सम हाउ मुझे पता लग जाए कि अच्छा जी कितना रिजल्ट मैं भेज चुका हूँ फ्रंट एंड और कितना यहाँ पे बाकी है। ठीक है, पेजिनेशन को ही अचीव करने का एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट स्क्रॉल। ठीक है, इनफाइनाइट स्क्रॉल का जो है ना रिएक्ट का कंपोनेंट बना हुआ मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, NPM से आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जी आप एक कंपोनेंट होता है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, उसमें डेटा आप डालते हो, तो जैसे ही स्क्रॉल करते हुए आप उसके नीचे तक पहुँचते हो ना तो एक फंक्शन हिट हो जाता है, एक फंक्शन होता है वो हिट हो जाता है। अब उस फंक्शन में आप जो मर्ज़ी करवा दो। ठीक है, अच्छा हम क्या करवाते हैं उस फंक्शन में, उस फंक्शन में हम API कॉल करवाते हैं दोबारा और मजीद डेटा मंगवाते हैं, यानी पेज नंबर 2 मंगवाते हैं, फिर पेज नंबर 3 मंगवाते हैं। ठीक है, अच्छा पेज नंबर 2 आया तो अब 10 की जगह उसमें 20 हो गया, तो अब मैं उसको मजीद स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा, जैसे ही वो लास्ट वाली पोस्ट पर पहुँचूंगा वो दोबारा फंक्शन हिट हो जाएगा, मैं उससे 10 और मंगवा लूँगा। ठीक है, और जब जब वो हिट होता है तो मुझे वो पेज नंबर भी दे रहा होता है कि जी अभी वो कितने पेज तक वो आ चुका है। ठीक है, या फिर मैं ये करता हूँ कि जो इस वक्त मेरे पास डेटा मौजूद है उसका लास्ट इंडेक्स उठा के देख लेता हूँ कि उसमें क्या पड़ा हुआ है, और उससे फिर आगे 20 मंगवाता हूँ। MongoDB में ये ऑप्शन भी होता है कि मैं उसको एक ID दूँ और मैं बोलूँ इस ID से आगे जो 20 डॉक्यूमेंट है वो लेकर आओ, लेकिन ऑब्वियसली वो तो उस सूरत में होगा जब मैं सीधा सीधा दिखा रहा हूँ, गेट ऑल पोस्ट वाली अप्रोच कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं सर्च वाली अप्रोच करूँगा तो इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, वो डॉट स्किप वाला लगाना होगा, उसके अलावा चारा नहीं है मेरे पास। वेल, तो हमने क्या देखा कि कभी भी मैं इतने सारे रिजल्ट ना ही सर्च में मंगवाऊंगा ना ही गेट ऑल पोस्ट में मंगवाऊंगा, मैं जब भी मेरे पास ज़्यादा डेटा होगा, क्योंकि पोस्ट तो देखो 200-400 नहीं होगी ना, हज़ारों मिलियंस में भी हो सकती है। ठीक है, मिलियंस ऑफ पोस्ट को अगर मैंने डायरेक्ट गेट ऑल कर दिया तो मेरा फ्रंट एंड भी ब्रेक हो जाएगा और मेरा सर्वर भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, अगर एक यूज़र ने नहीं किया तो 200-400 यूज़र आएंगे या 1000 यूज़र आएंगे तो फिर हो जाएगा, 100% होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, पेजिनेशन करता हूँ, क्योंकि यूज़र भी ह्यूमनली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो 1 मिलियन पोस्ट देखे बंदा, वो देखता है शुरू के 10, 12, 15, 20 ही है। ठीक है, 100 देख लेगा बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा वो प्रोबेबिलिटी नहीं होती है देखने की। तो जितना यूज़र को डेटा दिखाना होता है उतना ही यूज़र हम सर्वर से मंगवाते हैं, उतना ही डेटा हम सर्वर से मंगवाते हैं ताकि हमारे सर्वर पे भी लोड कम से कम रहे और फ्रंट एंड भी कम से कम रहे। ठीक है, क्योंकि सर्वर के ऊपर एक एक बाइट काउंट करती है, एक एक प्रोसेसिंग साइकिल जो है वो काउंट करता है। ठीक है, फ्रंट एंड पे भी कुछ इसी तरह है कि जी एक एक बाइट, एक एक प्रोसेसिंग साइकिल जो है वो काउंट करता है। क्यों, फ्रंट एंड के ऊपर ज़्यादा रिसोर्स होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको ज़ाया करेंगे। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पर फ्रंट पे मैं 200 पोस्ट ला रहा हूँ एक एक पेज के ऊपर, तो दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, इवन यूट्यूब जो है वो एक पेज पे 30 रिजल्ट से ज़्यादा नहीं दिखा रहा होता आपको। ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो के अंदर मैं जाता हूँ तो 30 रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, उसके बाद नीचे बटन आ जाता है नेक्स्ट का। तो हमें पेजिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। वेल, तो फिलहाल मैंने उसको 20 कर दिया, और 20 करके अच्छा इंक्लूड वैल्यूज़ और इंक्लूड मेटा डाटा, तो मुझे वैल्यूज़ नहीं चाहिए एक्चुअली, तो मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। राइट, मुझे ये वैल्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेटा डाटा डिस्प्ले कराना है ना, क्योंकि जो वैल्यूज़ में मुझे ये देगा वेक्टर। अब वेक्टर का मैं करूँगा क्या, वेक्टर को मैं वापस एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट भी नहीं कर सकता, और ना ही मुझे ये डेटा कहीं और सेव करवाना है, जस्ट डिस्प्ले कराना है, तो मुझे इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इवन गेट ऑल वाले में भी ना मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे ये गेट ऑल वाला है ना, इसमें भी मैं मेटा डाटा के अंदर क्या लगा सकता हूँ, सिर्फ ट्रू लगा सकता हूँ, और वैल्यूज़ में फॉल्स लगा सकता हूँ। ठीक है, ताकि वो हर दफ़ा जब जब मैं गेट करूँ तो मेटा डाटा मुझे ना लाके दे, वो मेटा डाटा सिर्फ लाके दे और एक्चुअल वेक्टर ना लाके दे, क्योंकि एक्चुअल वेक्टर का मेरे पास कोई काम नहीं है। अच्छा, तो ये मैंने क्वेरी तैयार की और पाइन कोन पे क्वेरी मार दी, मैंने कहा भाई ये जो वेक्टर है ना, बंदे ने लिखा है कार, इस वेक्टर से करीब तरीन जो है ना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे लाकर दे दो। अच्छा, जो ये डॉक्यूमेंट्स लाकर देता है उसके ऊपर मैं मैप चलाता हूँ, और मैप चला के क्या करता हूँ, एक तो उसको मैं डिस्प्ले करा देता हूँ कि ये किस किस का स्कोर कितना कितना है। ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स क्वेरी रिस्पॉन्स डॉट मैचेज है, ये मुझे एक एरे मिलता है जिसमें तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट मुझे मिल रहे होते हैं। इस पर मैप चला के ना मैं हर डॉक्यूमेंट का स्कोर प्रिंट कराता हूँ यहाँ कि जी स्कोर कितना है, ईच मैच डॉट स्कोर डॉट टू फिक्स वन, इसको वन को जो है ना मैं कम से कम 3 कर देता हूँ ताकि तीन डिजिट मुझे दिखा रहा हूँ पॉइंट के बाद। ठीक है, उसके अलावा मैं बोलता हूँ भाई जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मैच डॉट मेटा डाटा, तो मेटा डाटा पूरा का पूरा कंसोल पे यहाँ प्रिंट भी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक मैं और मैप चलाता हूँ जिसके जरिए मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ मेरे आउटपुट को मैच करने के लिए। जो मेरा आउटपुट है वो ज़रा सा उसका एक फॉर्मेट है जो मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ इस API से। ठीक है, तो मैंने उसको ज़रा फॉर्मेट किया, मैंने कहा भाई मुझे चाहिए टेक्स्ट, मुझे चाहिए टाइटल, और मुझे अंडरस्कोर ID चाहिए। अगर मैं इस तरह से नहीं दूंगा तो मैं फ्रंट एंड के ऊपर मुझे चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये शुरू में ही देख लिया था कि जी API हम एक दफ़ा जब बना देते हैं तो उस API को हम चेंज नहीं करते। अब मिस स्पेल हो गया, जो मर्ज़ी हो गया, उसको हम चेंज नहीं करते। अब बनेगा V2, ये V1 चेंज नहीं होगा। तो जो मैं बना चुका हूँ मैं वही रखूँगा, मैं जस्ट इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करके उस हिसाब से भेजूँगा,
क्योंकि फ्रंट एंड वाला बंदा अभी तो मैं खुद हूँ ना, लेकिन हमेशा मैं खुद नहीं होऊंगा, कोई और होगा। अगर इस तरह चलते हुए प्रोजेक्ट में मैंने वी वन बना के डॉक्यूमेंट दे दिया उसको अगर, और फिर मैंने चेंज किया, तो वो मुझे सामने से गालियाँ देगा, ठीक है। और ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, वो तो खैर कुछ शायद ना बोले, गोरे बड़े शरीफ होते हैं, लेकिन जो है ना वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप एक बंदे ने मेहनत कर ली थी और आपने यहाँ से उसको चेंज कर दिया डेटा को, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं होती। मोस्टली क्या होता है कि हम अगर एट द सेम टाइम बन रहा होता है ना फ्रंट एंड और बैक एंड, तो मैं उसको क्या करता हूँ, फ्रंट एंड के ऊपर API तो नहीं दे सकता, तो उसको मैं डमी APIs दे देता हूँ। मैं उसको बता देता हूँ कि जी डेटा जो आएगा ना उसमें ये कीज़ मौजूद होंगी, और उस बेस पर वो पूरी UI तैयार कर लेता है। फिर मैं यहाँ से उसको एक्चुअल API देता हूँ, वो लगाता है, बिल्कुल फिट हो जाती है उस पर। तो अगर मैंने मिसाल के तौर पर API बनाई भी नहीं है अभी, जस्ट मैं उसको डमी डेटा दे चुका हूँ कि जी इस तरह का रिस्पॉन्स मेरी API से आपको मिला करेगा, तो मुझे फिर यहाँ से वही रिस्पॉन्स मैच करना है, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स मैं कंज्यूम कर दूंगा, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है कि जी मैंने उसको एक डमी API दे दी थी कि इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, और बाद में उस तरह का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने में मेरे 12 बज गए अगर, तो सर्वर की रिसोर्सेज अगर एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो रही है, तो इसमें स्टिल गुंजाइश होती है कि आप इसको डिस्कस करके सॉर्ट आउट करें ना, ठीक है। तो ऑल पोस्ट वाला गायब हो जाएगा जब ये जाएगा ना उधर, और मैं सेट कराऊंगा जब, तो ऑल पोस्ट वाला गायब हो जाएगा, ठीक है। अभी तो ये ऑल पोस्ट मेरे पास गेट होती है ना, और उसी स्टेट में आता है, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ना, जब ये न्यू करके लिखूंगा, तो न्यू करके कोई और तो नहीं है ना मेरे पास, अच्छा न्यू पोस्ट ये भी है, तो ये दोनों ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। मैं यहाँ पे न्यू लिखता हूँ और सर्च मारता हूँ, ये सर्च के लिए गया, और ये मेरे पास रिजल्ट सर्च से ही आया ना, कहाँ से आया है एक्चुअली, ये ना पेज को मेरे रिफ्रेश कर दे रहा है। यहाँ पे मैंने वो प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट शायद मैं लगाना भूल गया हूँ अपने फ्रंट एंड के ऊपर। जो ये आपका सर्च हैंडलर है ना, इसके ऊपर मुझे क्या करना था, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट लगाना था एक्चुअली, ठीक है। ई और सही है, इसके ऊपर मुझे प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट लगाना था, अदरवाइज़ वो पेज को मेरे रिफ्रेश कर रहा था। मैंने कहा न्यू और मैंने कहा एंटर, अभी लोडिंग हो रहा है। जैसे ही वो डेटा आएगा ना, तो देखो वो वाला यहाँ पे स्टेट में आ गया, क्योंकि मैंने काम क्या करवाया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बोला है कि भाई सेट ऑल पोस्ट के अंदर ना इसको रखवा दो पूरे को। तो मेरा पुराना जो पेज रिफ्रेश होने पर जो आता था ना डेटा, वो तो बिल्कुल ही गायब हो गया है। अब मेरा ये सर्च का रिजल्ट आके ना उसी जगह रखा रहा है। स्टिल दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि मैंने उसी स्टेट में इसको रखवा दिया। मुझे चाहिए था इसकी कि मैं अलग स्टेट बनाता, या मे बी यहाँ पे पार्टीशन बना के छोटा सा एक डब्बा बना देता यहाँ, और उसके अंदर रिजल्ट आ रहा होता ये मेरे पास, ठीक है। लेकिन स्टिल अब मैं इसको एम्प्टी करके दोबारा हिट मारता हूँ, तो वो गेट ऑल पोस्ट वाला ही एक्चुअली अब ये काम कर रहा होगा। अच्छा, तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इन तमाम पोस्टों को कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अब ज़रा ये जो सर्च हमने इम्प्लीमेंट किया है, इसको ज़रा देख लेते हैं कि इसका जो है ना क्या सीन है, ठीक है। तमाम की तमाम पोस्ट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से उड़ा दिया। अब आ जाते हैं जी, हम मैं लिखता हूँ, अब एक प्रॉपर किस्म की पोस्ट एक बना लेते हैं ना। सबसे पहले तो मैंने कहा कॉफ़ी, और ये मैंने क्या कर दिया, दो चार जो है ना लाइनें यहाँ से कॉपी कर ली, और मैंने कहा कि जी आई लव कॉफ़ी, और ये मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा पहला आर्टिकल हो गया ये, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है जी, ये मैं बना लेता हूँ एक, एक मैं पोस्ट इस इलॉन मस्क के नाम से बना लेता हूँ। क्या हुआ ये, अच्छा वो लिमिट लगी हुई थी ना उसके ऊपर, इसलिए मैंने कहा ये जो इसका टाइटल है, ठीक है, इलॉन मस्क को फाउंडेड 6 कंपनीज इलेक्ट्रिक टेस्ला एंड स्पेस एक्स, ठीक है, टनलिंग स्टार्टअप कंपनी, पोस्ट कर दिया उसको मैंने, ठीक है। इस तरह की मुझे दो चार पोस्ट और बनानी है, जैसा कि लेटेस्ट
कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर आ गया ना, कुछ यहाँ से मैं चीज़ें उठा लेता हूँ एक दो। ठीक है, ये मैंने टाइटल उठा लिया इसका यहाँ से। और यहाँ से मैंने दो पैराग्राफ उठा लिए और इसको भी मैंने पब्लिश कर दिया। ठीक है जी, मेरे पास कितने हो गए हैं, तीन पोस्ट हो गए हैं अभी तक। और कोई टॉपिक बताओ यार। न्यूज़ पे जाता हूँ मैं एप्पल। ठीक है जी, एप्पल इवेंट टुडे इज एक्सपेक्टेड आईफोन रिवील। ओह अच्छा, आईफोन रिलीज होने वाला है आज। ठीक है, एक मैं जनाब ये वाला आर्टिकल यहाँ पे छाप देता हूँ। दुबई जा रहे हो कल? अच्छा, तो दो आर्टिकल मेरे पास एलॉन मस्क के हो गए हैं, एक कॉफ़ी का आर्टिकल हो गया है। यार ये थर्ड सी एच पे आके रुक क्यों गया? अच्छा, वो लिमिट लगाई हुई थी मैंने। सही है, ये हो गया एप्पल इवेंट 2023 हो गया ये, और ये एलॉन मस्क का ये आर्टिकल हो गया। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ गूगल का। सही है, यूएस टेक्स ऑन गूगल। सही है, मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने टाइटल के अंदर जो लिमिट लगाई हुई है ना उसमें ये फिट नहीं आ रहा, तो वो एक्चुअली क्या हो रहा है उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। सही है, मैंने ये पोस्ट बना दी क्योंकि मेरे पास जितनी ज़्यादा पोस्ट होगी मैं उतने अच्छे तरीके से इस सर्च को मैं डेमॉन्स्ट्रेट कर पाऊँगा, इसके बेनिफिट्स को डेमॉन्स्ट्रेट कर पाऊँगा मैं ना। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, एन एप्पल अ डे करके आर्टिकल सर्च करूँगा मैं। ठीक है, ये मैंने एक आर्टिकल सर्च कर लिया, एन एप्पल अ डे। सही है, ये एन एप्पल डे वाला एक मैंने लगा लिया और एक मैंने लगा लिया एप्पल इवेंट वाला। अच्छा जी, अब मैं ज़रा एक बनाना का कुछ आर्टिकल देख लूँ। सही है, बनाना हेल्थ बेनिफिट्स। सही है, एक मैंने एप्पल के बेनिफिट्स कर दिए, एक मैंने बनाना के बेनिफिट्स कर दिए, और एक मैंने एप्पल कंपनी का लगा दिया पोस्ट और एक मैंने गूगल की कंपनी का पोस्ट लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जी मेरे पास जो है ना अब इनफ आर्टिकल हो गए हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी सेटिंग बना सकता हूँ, अब सर्च की कुछ ना कुछ डेमॉन्स्ट्रेशन कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना क्या करता हूँ,
यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ इलॉन मस्क, ठीक है ना। अच्छा, एक इलॉन मस्क की पोस्ट ये वाली है मेरे पास और एक नीचे भी इलॉन मस्क की पोस्ट है, तो दोनों पोस्ट मेरे पास टॉप पे आ जानी चाहिए। इसका जब रिजल्ट आएगा करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता। ठीक है, ये इलॉन मस्क वाली दोनों पोस्ट मेरे पास सर्च में कहाँ आ गई, टॉप पे आ गई। ठीक है, कौन सी सजेशन? वो ये इसका एक यूज़र एक्सपीरियंस है ना, जो मैं पहले चीज़ें लिख चुका हूँ ना वो यहाँ पे आ रही होती हैं। वो उसकी एपीआई बनानी पड़ती है, ऑन चेंज के ऊपर मैं एपीआई कॉल करता हूँ और उसको यहाँ नीचे दिखा रहा होता हूँ। ठीक है, सजेशन का इसके अंदर एक बिल्ट इन ऑप्शन होता है, मैं वो सर्च यहाँ पे जब मैं इसको लिखता हूँ ना, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे इलॉन, तो मैं क्या करता हूँ जैसे ही रुकता है बंदा लिख के एपीआई हिट करता हूँ, वहाँ से मैं पॉसिबल इसके कंप्लीशन लाता हूँ और उसको मैं इधर एरे पास करता हूँ, तो वो मुझे फ़ौरन नीचे दिखा देता है। ठीक है, अच्छा भाई इलॉन मस्क मैंने लिखा ना, तो सबसे पहले तो एग्जैक्ट मैचेस जो थे ये वो लेकर आ जाता है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद क्या करता है इलॉन मस्क के बाद मेरे पास जो एप्पल और बनाना था ना, उसमें से ये कौन से वाले को पहले लेकर आया है, उसमें से ये पहले लेकर आया एप्पल वाले को। ठीक है, क्योंकि एप्पल क्या है, टेक कंपनी है, और इलॉन मस्क टेक कंपनी ज़्यादा करीब है बजाय इसके कि हेल्थ वाली चीज़, तो ये टेक वाले को उसके बाद लेकर आया है। ठीक है, इसी तरह आप देखें ये यूएस वाला गूगल उसके बाद आया, और ये एन एप्पल अ डे वाला जो है ना सबसे लास्ट में चला गया, और कॉफ़ी भी सबसे लास्ट में चला गया। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं कोई ऐसी चीज़ लिखता हूँ जो कि मेरे यहाँ पे कहीं पे भी मौजूद नहीं है, तो वो एग्जैक्ट मैच तो मिलेगा नहीं, लेकिन क्या मिल जाएगा मुझे, उसका जो रिसेंट करीब तरीन जो उसका नेबर होगा ना वो मुझे मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वेस्टर। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, बड़ी मुश्किल से स्पेलिंग है ज़रा यहाँ पे, सही है, एंटरप्रेन्योर जो है ना वो लिख देता हूँ मैं यहाँ। अब मैं एंटरप्रेन्योर यहाँ पे अगर देख लेता हूँ पहले कंट्रोल एफ करके, मेरे इस पेज पे कहीं मौजूद तो नहीं है, नहीं मौजूद है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर लिखता हूँ तो क्या आना चाहिए टॉप पे, एलॉन मस्क आना चाहिए, क्योंकि एलॉन मस्क को फाउंडेड 6 कंपनीज है ना। ठीक है, तो इसलिए यही आना चाहिए। दोबारा हिट मारते हैं, लोडिंग हो रही है इस वक्त, लोडिंग हो के आया तो एलॉन मस्क आ गया। ठीक है, लेकिन अब की बार एलॉन मस्क टॉप पर आया लेकिन सेकंड नंबर पे आया गूगल, क्योंकि यहाँ पे भी शायद कुछ ना एंटरप्रेन्योरशिप से मुतल्लिक कोई बिजनेस और पार्टनर टाइप की कुछ बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद आई है यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह, कोई दूसरी चीज़। अब कॉफ़ी के इस पैराग्राफ में भी कहीं पे कोई ऐसी बात हो रही है जिसमें शायद स्टार्टअप या बिजनेस से मुतल्लिक कोई बात लिखी हुई है, इस वजह से ये वाली लेकर आया है। अच्छा ठीक है, अब मैं एक और बात लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, टी। टी भी मेरे इस पूरे पेज के अंदर कहीं मौजूद नहीं है, मैंने कंट्रोल एफ करके चला के देख लिया, मेरे पास टी यहाँ पे कहीं मौजूद नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैच तो मुझे नहीं मिला, अब मुझे क्या मिलेगा एग्जैक्ट मैच की जगह, कॉफ़ी मिलेगा मुझे, और कॉफ़ी के बाद क्या मिलेगा, एप्पल कंपनी वाला एप्पल मिलेगा या फ्रूट वाला एप्पल मिलेगा, आर यू श्योर? हाँ, समझदार हो गए हो तुम लोग। ठीक है, आई लव कॉफ़ी आ गया और सेकंड नंबर के ऊपर नहीं यार, सेकंड नंबर पे गूगल आ गया। ठीक है, उसके बाद एन एप्पल अ डे आया है। अच्छा, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई बात हो रही है इस तरह की ना, चाय पानी की कोई बात हो रही है यहाँ पे, करीब तरीन कोई बात हो रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली तो यहाँ पे चाय की बात नहीं हो रही है, गवर्नमेंट है तो चाय पानी है। यूएस टेक्स ऑन गूगल अबाउट द बिगेस्ट एंथुजियास्ट ट्रेड ऑफ डेकेड। अच्छा, तो यहाँ पे मैं टी लिखता हूँ ना, तो मेरे पास टी नहीं आती तो कॉफ़ी मेरे पास आ जाती है, तो ये दिस इज़ अ सेमेंटिक सर्च। ये काम मैं देखो, तीन तरह के सर्चेस जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे ना, कि तीन तरह के सर्चेस हो सकते हैं पॉसिबली। नंबर एक तो ये कि मेरे पास एग्जैक्ट पूरा का पूरा टाइटल मौजूद हो, मैं वो दूँ और मुझे उस टाइटल का आर्टिकल मिल जाए, ये तो बिल्कुल ही पुराने ज़माने का सर्च है। ठीक है, ये तो अब बिल्कुल भी कोई यूज़ नहीं करता। नंबर दो सर्च ही होता है फुल टेक्स्ट सर्च। फुल टेक्स्ट सर्च में क्या होता है कि जैसे ये आई लव कॉफ़ी है ना, तीन वर्ड हैं, तो सिर्फ मुझे कॉफ़ी मिल जाए तो मैं सर्च मार के ले आऊँ, सिर्फ मुझे कॉफ़ी मिल जाएगा ना, सिर्फ अगर कॉफ़ी लिखा है मैंने सर्च की टर्म में तो उसमें ये आर्टिकल मिल जाएगा मुझे। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है फुल टेक्स्ट सर्च में, कि पूरा पैराग्राफ है ना उसके अंदर वो सर्च करता है कि जी लव आ जाए कहीं पे और कॉफ़ी आ जाए कहीं पे, तो उसको ले आता है वो, दिस इज़ कॉल्ड फुल टेक्स्ट सर्च, तो उसमें भी ये आ जाएगा। लेकिन कब आएगा, जब मैं कॉफ़ी लिखूंगा, टी लिखने से नहीं आएगा। ठीक है, उसमें भी ये फुल टेक्स्ट सर्च में भी ये आ जाएगा कि अगर मैं कॉफ़ी लिखूँ या लव लिखूँ, ठीक है, या मैं कॉफ़ी लिखूँ या मैं बेवरेज लिखूँ,
यानी कॉफ़ी और बेवरेज, ये दो चीज़ें मैंने लिखी है ना स्पेस सेपरेटेड करके, तो मुझे ये मिल जाएगा। लेकिन टी लिखने पे मुझे ये नहीं मिलेगा, टी लिखने पे वो बोलेगा नो रिजल्ट, क्योंकि मेरे किसी भी पोस्ट में टी का कोई वर्ड का जिक्र नहीं आया। सिमेंटिक सर्च के अंदर मुझे ये क्या होता है कि अगर मैं करीब तरीन भी कोई बात लिख दूँ तो मुझे वो चीज़ ला कर ये दे देता है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एप्पल, सही है, अगर एप्पल लिखता हूँ तो सबसे टॉप पे कौन सा आएगा, एप्पल टेक वाली कंपनी या फ्रूट वाली, एन एप्पल अ डे या वो वाला। अच्छा इसमें जो है ना कोई सा भी आ जाएगा, ठीक है इसमें कोई सा भी आ जाएगा क्योंकि मैंने एग्जैक्ट मैच लिखा है ना, तो इसमें कोई सा भी आ जाएगा। ठीक है देखते हैं लेकिन कौन सा टॉप पर आता है, क्योंकि मैंने कोई कॉन्टेक्स्ट तो और मजीद बात नहीं की ना साथ में। ठीक है एन एप्पल अ डे आ गया इसके अंदर। अच्छा लेकिन अगर मैं लिखता हूँ ना गूगल, ठीक है तो गूगल लिखने की सूरत में एप्पल भी टेक कंपनी है, गूगल भी टेक कंपनी है, तो एप्पल गूगल पहले आएगा, उसके दूसरे नंबर पे जो है वो एप्पल आना चाहिए। अरे एन एप्पल अ डे क्यों आ गया, क्या बकवास है ये, देख लो एप्पल इवेंट पता नहीं कहाँ नीचे जाकर आया है। ठीक है अच्छा यहाँ पर अगर मैं जैसे लिख दूँ इवेंट तो मुझे एप्पल इवेंट वाली चीज़ नज़र आ जाएगी। ठीक है अच्छा यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ गूगल इवेंट तो स्टिल मुझे वो क्या ला के दे देगा, इवेंट वाली चीज़ मुझे ला के दे देगा गूगल, और सेकंड नंबर पे ये इवेंट। ठीक है तो भाई बहुत अच्छा है ये, बहुत कन्वीनियंट है और बहुत ही सही है ये। अच्छा इवन अगर मैं कोई ऐसी बात करूँ जो यहाँ पे लिखी हुई होगी लेकिन उसको मैं किसी और वर्ड में करूँ, पूरा जुमला लिख दूँ इसके अंदर में, तो भी इसको समझ आ जाता है ये। ठीक है मिसाल के तौर पर आई लव कॉफ़ी के अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉफ़ी इज़ अ बेवरेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स। ठीक है तो अब ये वाला अगर मैं जुमला लिखता हूँ एग्जैक्ट यही जुमला, लेकिन मैं वर्ड कोई भी ये वाला इस्तेमाल नहीं करता, अब मुझे कन्वर्ट करके बताओ कोई बंदा ताकि मैं लिखूँ, मेरा तो इतना तेज़ दिमाग नहीं है, तुम लोगों में से किसी का है तो बताओ। इसमें से कोई एक जुमला चुनो और उस जुमले को कंस्ट्रक्ट करो इस तरह से कि उसमें वो वर्ड इस्तेमाल ना हो, कोई और वर्ड इस्तेमाल हो। चलो चैट जीपीटी से करवाते हैं, वो किस दिन काम आएगा। ठीक है उसको बोलते हैं कि यार ये वाला जुमला है एक, इसको लिखो इस तरह से लिखो कि ये वाले वर्ड्स ना हो इसके अंदर। ठीक है मैंने कहा अबव बिटवीन ट्रिपल बैकटिक इज अ सेंटेंस, सेंटेंस कैसे होगा, SETANCE। अबे एरर क्यों बता रहा है, क्या गलत कर दिया मैंने इसमें, अच्छा SEN से सेंटेंस होता है, सेंटेंस प्लीज री राइट दिस सेंटेंस SENTENCE बट डू नॉट यूज एनी ऑफ द and use different words to make the same semantic meaning, सही है original ऐसे होगा और sentence semantic meaning। ठीक है चलो try करते हैं कि ये क्या लागे देता है हमें। अच्छा ये अब लेकर आ गया एस्प्रेसो इज अ ड्रिंक, ठीक है बेवरेज को ड्रिंक कर दिया, क्राफ्टेड प्रिपेयर्ड को क्राफ्टेड कर दिया, फ्रॉम बीन्स, अब बीन्स इसने रख दिया, दैट हैव बीन रोस्टेड फ्रॉम ब्रूइंग। ठीक है तो मैं काम करता हूँ इसमें एस्प्रेसो इज अ ड्रिंक क्राफ्टेड लिखता हूँ ये, ठीक है एस्प्रेसो इज अ ड्रिंक क्राफ्टेड। अब ये एस्प्रेसो या ड्रिंक या क्राफ्टेड ये तीनों बातें जो है ना मेरे पास ओरिजिनल इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है एस्प्रेसो नहीं है इसके अंदर और ड्रिंक ड्रिंक इसमें है भाई। वेल नहीं सिर्फ एस्प्रेसो नहीं, मैं चाह रहा था कि पूरा जुमला लिखूं मैं ना, और क्राफ्टेड है कहीं पे क्या, नहीं क्राफ्टेड भी नहीं है, सही है एस्प्रेसो इज क्राफ्टेड लिख देता हूँ मैं,
और अब मैं इसको सर्च हिट करता हूँ तो ये क्या लाता है, आई लव कॉफ़ी लेकर आइए ये, ठीक है। तो अगर मैं कोई ऐसा जुमला लिखता हूँ यहाँ पे जो जिसमें वर्ड्स तो मुख्तलिफ हैं लेकिन उसका जो सिमेंटिक मीनिंग है ना वो इसके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, तो मुझे स्टिल ये ला कर दे देगा वो, ठीक है। अच्छा, यही वजह है कि वेक्टर डेटाबेसेस को चैट जीपीटी के साथ भी इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको बोला जा रहा है कि जी इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी आप दे सकते हैं इसके ज़रिए, ठीक है। फॉर द सेम रीज़न कि मैं जुमला लिखता हूँ तो उस जुमले से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो वो मैं उठा के ला सकता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी में आपको पता है ना जो उसका विंडो साइज़ है, जो मैं उसको टेक्स्ट भेजता हूँ उसका जो साइज़ है वो 4000 कैरेक्टर तक लिमिटेड है। अभी जो नए वाले में 32000 कैरेक्टर तक उन्होंने दे दिया है, 32000 वर्ड एक्चुअली तक उन्होंने अलाउ कर दिया, लेकिन 32000 वर्ड जब भेजते हैं ना एक झटके में तो वो अच्छे खासे टोकन कंज्यूम करता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम 2000-3000-4000 के अंदर ही अपनी कहानी घुमा लें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मुझे डेटा उसको प्रोवाइड करना है, जैसे किसी वेबसाइट का मैं FAQ चैट बॉट बना रहा हूँ, तो उस वेबसाइट के अंदर जितना भी टेक्स्ट डेटा होता है उन सारे डेटा को मैं क्या करता हूँ, हज़ार हज़ार कैरेक्टर के चंक्स बना के मैं उसको स्टोर करवा देता हूँ वेक्टर डेटाबेस में, ठीक है। जब बंदा कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं पहले उस डेटाबेस से उठा के लाता हूँ, क्या उठा के लाता हूँ, वो मेटा डेटा पूरा उठा के ले आता हूँ मैं, ठीक है। वो मेटा डेटा जो है उसका उठा ले आता हूँ। मिसाल के तौर बंदे ने पूछा व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, तो व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर वाला सवाल अगर मैं देता हूँ वेक्टर डेटाबेस को, ठीक है, और वेक्टर डेटाबेस में मैंने क्या सेव किया हुआ है, मैंने पूरी वेबसाइट का जो टेक्स्ट वर्जन है उसको हज़ार हज़ार वर्ड के चंक में स्टोर किया हुआ है। तो हज़ार हज़ार वर्ड के मेरे पास शायद 10 या 12 चंक हैं, है ना। हज़ार हज़ार वर्ड के मेरे पास कितने चंक हैं, 10 या 12 चंक है वेक्टर डेटाबेस में। तो व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर के अंदर ना फ़ोन नंबर का जहाँ पे जिक्र होगा वो पार्ट, वो पेज उठ कर आ जाएगा, आ गया वो पेज। अब मैं वो पेज रख के भेजूंगा चैट जीपीटी को, मैं बोलूँगा यार मुझे फ़ोन नंबर बताओ, तो मुझे फ़ोन नंबर बता देगा, सही है ना। समझ आ रहा है ये क्या बताया मैंने बात, हाँ नहीं समझ आया। अच्छा देखो करके दिखा देता हूँ, सही है। कोई वेबसाइट का नाम बताओ, किसी शॉप वगैरह की वेबसाइट जिसमें टाइमिंग वगैरह होती हो, दरास्त की टाइमिंग तो नहीं होती, मेरे भी जहन में कोई अभी वेबसाइट नहीं आ रही, सही है। हेयर सलोन न्यूयॉर्क कर देता हूँ मैं, ठीक है, न्यूयॉर्क का कोई हेयर सलोन मेरे पास आ जाए। सिलसे पेरिस करके ये मेरे पास एक कुछ आया है, ठीक है, ये मेरे पास गूगल मैप का कोई आ गया है, इसकी जो है ना ये वेबसाइट में ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गई, क्या चीज़ आ गई मेरे पास, ये उसकी वेबसाइट आ गई, ठीक है। ये फीमेल हेयर सलोन है, तो मैं इसके अबाउट में जाता हूँ और अबाउट में जाके मैं क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा आइटम इसका मैं कॉपी मार लेता हूँ, कॉपी मारता हूँ आइटम में, और मेरे पास अब क्या चीज़ मौजूद है, चैट जीपीटी मौजूद है। इसको मैं न्यू चैट करता हूँ और मैं करता हूँ ट्रिपल बैक टिक और पूरा ये पेस्ट मारता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार अबव इज द वेबसाइट ऑफ अ सलोन, ठीक है, बाय लुकिंग एट द वेबसाइट आंसर यूज़र क्वेश्चन, ठीक है, फुल स्टॉप। और उसके बाद मैं यूज़र और क्वेश्चन लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यार व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि आंसर, और अब मैं इसको हिट करता हूँ तो मुझे आंसर की जगह पे ये क्या ला के देगा, ये फ़ोन नंबर मुझे ला के देगा। और ये काम मैं एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं करता हूँ, ये काम मैं कहाँ पे करता हूँ, मैं ये काम API के ज़रिए करता हूँ एक्चुअली, ठीक है। OpenAI Playground लिख के मैं एक्चुअली अभी यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं ये काम किसके ज़रिए करता हूँ, मैं API के ज़रिए करता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि आपका ना ये रचैट मॉड्यूल, ठीक है, ये इनका नया माल आया है जो कि उधर अवेलेबल भी नहीं है, ये सिर्फ प्लेग्राउंड में ही मिलता है आपको ये। तो मैं यहाँ पे वो पूरी की पूरी वेबसाइट ये पूरी कॉपी कर देता हूँ मैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और मैं क्या कर देता हूँ, नीचे यहाँ पे बात लिख देता हूँ,
अच्छा इसको भी मैं सैनिटाइज कर सकता हूँ ना, इस टेक्स्ट को यहाँ पे देख रहे हो, ये लिखा हुआ है कि स्किप द कंटेंट और ये होम अबाउट सर्विस गैलरी, इसको मैं सैनिटाइज भी कर सकता हूँ ना। मैं ये चीज़ें मुझे ज़रूरत ही नहीं है, इसका जवाब जो बंदा पूछेगा ना उसके लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ये जैसे बुक एंड अपॉइंटमेंट करके ये है और ये विजिट अस है। अच्छा तो ये बुक एंड अपॉइंटमेंट से ऊपर ऊपर का मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये सब इससे नीचे का मेरे पास काम है कि विजिट अस और ये एड्रेस आ गया। अच्छा इसको भी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा जो लाइन ब्रेक्स हैं इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं जो, इसको मैं सैनिटाइज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको हाथ से कर लूँ मैं, जैसे भी कर लूँ। तो ये मेरे पास मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया इसको, और कॉन्टेक्स्ट देने के बाद मैंने यहाँ पे नीचे क्या लिख दिया, वही वाली बात लिख दी जो ये मैंने यहाँ पे मेंशन की थी। ठीक है, मैंने कहा कि जी यार ये जो है ना, अबव इज द वेबसाइट ऑफ अ सैलून बाई लुकिंग एट द वेबसाइट। ठीक है, यू आर कस्टमर सर्विस यू आर अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एंड यू आंसर बाई लुकिंग एट द वेबसाइट। ठीक है, ये मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट तैयार करके दे दिया। अब जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आगे लिखूंगा ना कि व्हाट इज योर एड्रेस, और मैं हिट करूंगा जब यहाँ से सबमिट, तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे जवाब देगा यहाँ से, आवर सैलॉन इज लोकेटेड एट दिस दिस दिस। ठीक है, मैं ऐड अ मैसेज करूँगा, मैं बोलूँगा एंड व्हाट इज योर कैन आई कॉल, है ना, कैन आई कॉल करके मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको, और मैं अब सबमिट मारता हूँ तो ये मुझे क्या जवाब देगा, येस यू कैन कॉल अस एट दिस दिस नंबर और दिस दिस नंबर, ये दो ही नंबर लिखे हुए थे ना वहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये दो नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मैं इससे टाइमिंग पूछूंगा, मैं बोलूँगा यार व्हाट आर योर टाइमिंग्स, तो मुझे ये इस वाले डेटा पे से देख के ये बताएगा। आ जाओ, व्हाट आर योर टाइमिंग्स, सबमिट। ठीक है, देखो पूरी इसने बात बताई है ये। अब यहां तक तो मसला बिल्कुल ओके था, मसला कहां पे था, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो तुम लोग, बताओ मसला कहां पे है। मैंने यहाँ पे जो दिया है ना डेटा, यहाँ पे मसला था, क्योंकि ये तो अभी मैंने थोड़ा सा दिया, एक पेज कॉपी मारा है, लेकिन मुझे पूरी वेबसाइट चाहिए यहाँ पे। अब पूरी वेबसाइट का अगर टेक्स्ट अगर 4000 कैरेक्टर से एक्सीड करता है, ठीक है, तो मेरे टोकन भी एक्स्ट्रा आए होंगे, मुझे बड़ा वाला मॉडल लेना पड़ेगा जो कि महंगा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इस वाले डेटा को क्या करता हूँ, मैं हज़ार हज़ार टोकन के चंक्स बना लेता हूँ इसके, और उसको मैं वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करा देता हूँ। पहले जब यूज़र का क्वेश्चन आता है ये वाला कि जी कैन आई कॉल, तो मैं इसको कहाँ भेजता हूँ, इसको मैं वेक्टर डेटाबेस में क्वेरी मारता हूँ पहले, और वहाँ से मैं जो मेरे पास 10 पेजेस है ना, हज़ार हज़ार वर्ड्स के, तो 10 पेजेस हैं, उसमें से मैं कोई एक पेज उठाता हूँ पहले और वो लाके यहाँ रखता हूँ और इसके साथ भेजता हूँ ये, और ये सारा काम मैं API कॉल के जरिए करता हूँ। API कॉल के लिए मेरे पास जो कोड है इसका, व्यू कोड करता हूँ जब मैं, तो देखो ये इस तरह से कुछ ये API कॉल इसकी लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये OpenAI करके लाइब्रेरी है, इसके ऊपर डॉट करके मैं कंप्लीशन डॉट क्रिएट करके करता हूँ, और जवाब मुझे ये इसी तरह दे रहा होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हो रहा होता है यार, API कॉल है। अब API कॉल जिस तरह होती है उसी तरह आप यहाँ से लिख के सबमिट मारोगे, API कॉल होगी, जवाब में जो आएगा उसको स्क्रीन पर प्रिंट कराओगे। ये चैटबॉट भी आपको मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया, लग गया था। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को क्या हुआ ये। अच्छा तो यहाँ पे हमारी क्लास को हम एंड करते हैं। ठीक है, देखो किसी भी वेबसाइट का चैटबॉट यूँ चुटकियों में बना सकते हो इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उसके लिए आपको वेक्टर सर्च का पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वेक्टर सर्च जो है वो आपकी किसी भी वेबसाइट के लिए वाइटल चीज़ है, आपको चाहिए होता है ये सर्च बार, है ना। वेबसाइट खासतौर पे अगर सोशल मीडिया जैसी कोई फेसबुक ट्विटर जैसी वेबसाइट है, उसमें सर्च के बगैर वो बिल्कुल बेकार है, उसके बगैर कोई काम नहीं है। सर्च के बगैर यूज़र सर्च करेंगे आप उसके अंदर आर्टिकल सर्च कर रहे होते हैं, आप उसके अंदर ग्रुप सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सर्च आपको हर जगह लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर। MongoDB के अंदर भी आ चुके हैं हम, अगला काम हमने यही करना है कि हमने यही वाला पूरा सेटअप MongoDB में कन्वर्ट करना है वापस, क्योंकि पाइनकोन ज़रा सा थोड़ा सा उसमें बग्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और महंगा बहुत है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। जल्दी पूछो, क्या पूछ रहे हो सवाल। हाँ हाँ
हाँ नहीं वो कर सकते हो तुम, वो तो जावास्क्रिप्ट चीज़ है ना, जावास्क्रिप्ट रिलेटेड चीज़ है, क्योंकि जो सर्च की टर्म है वो तो तुम्हारे पास मौजूद है ना, कहाँ मौजूद है, उस बार के अंदर मौजूद है जो टेक्स्ट बार है तुम्हारे पास, तो वो तुम उठाओगे और वो उठा के तुम पूरे के पूरे पेज के ऊपर क्या करोगे, एक आइट्रेशन करोगे, और जहाँ जहाँ वो वर्ड आ रहा होगा उसको आप क्या कर दोगे, हाईलाइट कर दोगे। लेकिन वो जस्ट एक समझ लो यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए होता है, वो कोई ऐसी मैंडेटरी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट करता है तो आप उसको करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। और वो अगर रिएक्ट में आप कर रहे होगे तो रिएक्ट में आप इस तरह करोगे कि जब मैप चलाते हो ना आप उसको रेंडर कराने के लिए, तो उसको मैप चलाते वक्त, हर मैप को चलाते हुए आप उसके अंदर ना चेक करते जाओगे कि इस पैराग्राफ में वो वर्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है। और मैप चलाते हुए ही उसको आप एक किसी स्पैन में इनकैप्सुलेट करके क्लास दे के आप रेंडर कराओगे उसको, तो वो पीला हो जाएगा उतना पार्ट। जी हाँ यार, आपके टीचर आ चुके हैं जो अगली क्लास होने वाली है, जो अगली क्लास यहाँ पे होने वाली है उसके टीचर आ चुके हैं? अबे भाई कौन है अगली क्लास का बच्चा बताओ ना, अभी नहीं आया टीचर आपके, आ गए नहीं आए? चलो सवाल पूछो। हाँ हर किस्म का कौन सा डेटा आ जाएगा? तुम ये सैलॉन वाली वेबसाइट की बात कर रहे हो? सैलॉन वाली वेबसाइट की बात कर रहे हो? हाँ तुम उसके सवाल को आगे कर रहे हो जो पीला करना बताया उसने, वो वाला तुम पूरा सवाल रिपीट करो, मुझे बात तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। सही है, ठीक है। नहीं वो तो फ्री वर्जन की वजह से है ना, देखो मैं तुम्हारा सवाल अगर सही समझाऊँ तो तुम ये कह रहे हो कि देखो पोस्ट को तो मैं सेव कराता हूँ एक नेम स्पेस के अंदर, ठीक है। अच्छा फिर मैंने यूज़र भी सर्च करना है, तो यूज़र मोस्ट प्रोबेबली मैं एक दूसरे नेम स्पेस में सेव कराऊंगा, अब वो मेरे पास ऑप्शन आ नहीं रहा फ्री में, तो भाई वो ऑप्शन मुझे पेड करके लाना पड़ेगा। फ़िलहाल नहीं कर सकते आप ये, फ़िलहाल आपके पास एक ही कलेक्शन तक, आपको फ़िलहाल पाइनकोन ने बोला है कि आप एक कलेक्शन से ज़्यादा नहीं बना सकते, तो नहीं बना सकते आप, ठीक है। अगर आपने ये काम करना है कि जी आपके पास यूज़र भी है और पोस्ट भी है और दोनों को आपने स्टोर कराना है, तो आपको पे करना पड़ेगा, या तो दो अलग अलग पाइनकोन का डेटाबेस लगाओगे आप, ऐसा जुगाड़ अगर करना है ना तो दो अलग अलग पाइनकोन का डेटाबेस लगाओगे फिर, क्योंकि नेम स्पेस के बगैर ये काम हो नहीं सकता। सही है जी सर, प्लीज़ यार प्यारे दोस्तों थोड़ी सी खामोशी, यार दोस्त सवाल पूछ रहे हैं ना आपके, ज़ोर से बोलो। हाँ पेड है, पेड है, ओपन एआई कम्प्लीटली पेड है, लेकिन बहुत कम पैसे लेता है वो। हाँ सादा पे का कार्ड लगा के आप बनाओगे अकाउंट पहले, जी जी हाँ, वो $4-5 काटते हैं और वो इतना ख़त्म नहीं कर सकते आप, $4-5 बहुत है, ठीक है। और उसकी API की को अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में रखना, ये याद रखना, GitHub में पुश करोगे तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं पुश हुआ हुआ, क्या बात कर रहे हो, अबे ऐसा कैसे हो सकता है, अबे हाँ यार ये तो पुश हुआ हुआ है। अच्छा चलो ये मैं इसको देख लेता हूँ।